हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड को किस तरह से रिस्क फ्री बना सकते हो या उसके रिस्क को किस तरह से हटा सकते हो। ऑलरेडी मैं इस पर काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बताया कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड को कैसे एक लॉस फ्री ट्रेड बना सकते हो। तो वहाँ पर मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसको सिमुलेटर पर करके दिखाइए, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊँगा कि सिमुलेटर पर मैं आपको लेके चलूँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि आपके ट्रेड लेने के बाद मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो कैसे आपको उस रिस्क को हटाना है, कैसे उसको एक लॉस फ्री ट्रेड बनाना है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पर जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बुल कॉल स्प्रेड को आपको किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे मैं मान लीजिए 1 तारीख को ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ, तो 1 तारीख को निफ्टी ट्रेड करा 21,800 पे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश रहेगा, तो आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करते हो। तो 21,800 जो कि एट द मनी का लेवल है, यहीं पे आप एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करते हो। तो 21,800 का एक कॉल ऑप्शन है, ये आपने बाय कर लिया। और यहाँ से लेट से 100 पॉइंट ऊपर आके 21,900 का जो कॉल ऑप्शन है, ये आपने सेल कर दिया। हमेशा बोलता हूं ये जो विड्थ है, ये 100 पॉइंट के आप रखिए। 200 के रखते हो तो उसमें यह है कि प्रॉफिट तो आपको ज्यादा होगा लेकिन आपका लॉस है वो भी ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से ये जो विड्थ है इसको आप 100 पॉइंट ही रखिए, क्योंकि उसको मैनेज करना ज्यादा आसान है। तो अब आप देखिए, ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। मार्केट अब अगर ऊपर जाता है तो आपको 2500 रुपीज का प्रॉफिट, और अगर नीचे जाता है तो आपको 2500 रुपीज का लॉस होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पे 1:1 का है। ठीक, तो ये जो विड्थ है ये मैंने आपको बता दिया, 100 पॉइंट ही रखे। मैंने 21,800 का कॉल ऑप्शन बाय किया, 21,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, इसको मैंने 100 पॉइंट रखा है। मैं अगर चाहूं तो इसको बढ़ा सकता हूं, मैं इसको 200 भी कर सकता हूं, 500 भी कर सकता हूं। जितना मैं ज्यादा करूंगा उतना मेरा प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा, उतना ही जो लॉस है वो भी बढ़ जाएगा। तो हमें हमेशा लॉस का देख के चलना है कि ये जो लॉस मुझे हो रहा है, क्योंकि देखिए मेरे लिए अच्छा सिनेरियो तो ये है कि ये जो प्रॉफिट है ये मुझे हो जाए, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि जो लॉस है ये भी मुझे हो जाए। तो हमेशा आप उतना पोजीशन साइजिंग रखिए जितने लॉस को आप मैनेज कर पाओ, जिसको आप हटा पाओ। तो ये जो लॉस है इसको मैनेज करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूंगा, और मेरा जो कैपिटल साइज है वो भी मुझे अलाउ कर रहा है। तो ये मैं लेके आपको दिखा सकता हूँ। बाकी आप चाहो तो ये पोजीशन साइजिंग अपने रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे एक लॉट का दिखा रहा हूँ। तो अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और वहां पे देखेंगे कि किस तरह से हमें इस ट्रेड को एक रिस्क फ्री ट्रेड बनाना अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है। लेकिन उसके रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब तो मुझे प्रॉफिट है, तब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है, मार्केट गिरता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक पुट ऑप्शन है वो मैं सेल करूंगा। 10 डेल्टा का, 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करना है। लेकिन वो सेल आपको कब करना है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे मैंने 21,800 का कॉल ऑप्शन है ये बाय किया है, और 21,900 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैंने सेल किया है। जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, इस केस में 21,900 है, जिस ऑप्शन को आपने सेल कर रखा है, जब इसका डेल्टा 25 से नीचे आ जाए उस टाइम पे आपको, और एक 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन है वो सेल करना है। उससे पहले आपको हाथ भी नहीं लगाना, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। तो अभी ये 47 है, तो देखते हैं अगले दिन क्या होता है। अगले दिन मेरा जो प्रॉफिट है ये 132 का है, और जो डेल्टा है दैट इज 48। नीचे आए मार्केट, जो डेल्टा है वो 40 का रह गया, 25 के नीचे आएगा तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा। उससे अगले दिन मेरा लॉस है ये 300 रुपीज़ का हो रहा है। देखिए, मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन नीचे तो जा रहा है मार्केट, मुझे लॉस भी हो रहा है, लेकिन अभी मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा आप देखिए 37 पे आ गया, 25 के नीचे आएगा तो फिर मैं करूँगा। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर आया है, डेल्टा भी ऊपर आ गया होगा, डेल्टा 45 पे आ गया है। यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो 350 रुपये का है। अगले दिन देखता हूँ, अगले दिन मार्केट और नीचे गया है, मेरा जो लॉस है वो 700 रुपये का है, और डेल्टा ये अब 30 पे आ गया। अगर 25 से नीचे आया तो फिर मैं एडजस्टमेंट करूँगा, अब ये 30 पे है। अगेन ये ऊपर आ गया है, मेरा जो लॉस है वो 300 रुपये का है, और जो डेल्टा है वो है 39 का। ये देखिए, अब मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने मेरी प्रॉफिटेबल रेंज में एंटर कर गया है। अब डेल्टा ये भी बढ़िया हो गया, 62 का डेल्टा हो गया। अगर ये 25 के नीचे जाता
तो मैं एडजस्टमेंट करता, लेकिन मार्केट वापस रिवर्स हो के ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, तो 62 का मेरा डेल्टा हो गया और प्रॉफिट है वो 1000 रुपीज़ के आसपास हो रहा है। अगले दिन मेरा जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपीज़ का है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। 17 जैन को मार्केट नीचे आया है, मेरा जो प्रॉफिट जो 1000 रुपीज़ का हो रहा था वो 200 रुपये के आसपास हो रहा है, और डेल्टा जो 60 के आसपास था वो 46 पे है अभी। स्टिल ये 25 से कंफर्टेबली ऊपर है। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट तेज़ी से गिरा 18 जनवरी को, तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो 1500 रुपये का है। अब देखिए मेरा लॉस 1500 रुपीज़ का है, लेकिन ये लॉस देख के मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है। अब मैं क्या देखूँगा, ग्रीक। हाँ, अब आप देखिए 21900 का जो कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा 17 हो गया है, मतलब पिछले दिन आप देखिए इसका डेल्टा कितना था, 46 था इसका, 45.99, और अगले दिन क्योंकि मार्केट में बड़ा गैप डाउन हुआ है तो ये जो डेल्टा है ये 25 से नीचे आ गया है, 17.55 पे आ गया है। तो अब मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट मेरा क्या होगा कि क्योंकि मार्केट इसका डेल्टा 25 से नीचे आ रहा है, दैट मीन्स मार्केट तेज़ी से गिरा है, और मार्केट तेज़ी से गिरा है दैट मीन्स कि एक तो वॉलेटिलिटी है वो ऊपर गई होगी, और दूसरा पुट ऑप्शन है उसके प्रीमियम ऊपर गए होंगे। तो अब सही टाइम है एक पुट ऑप्शन सेल करने का, लेकिन पुट ऑप्शन आपको इस ग्रीड में नहीं आना है कि मैं पास का पुट ऑप्शन सेल कर दूं, आपको 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करना है, उससे पास में आपको नहीं आना है। क्योंकि जब आप 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करोगे तो आप करंट मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहोगे। तो ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूं और 10 डेल्टा में देखता हूं कहां पे है। देखिए 10 डेल्टा जो है ये 20700 पे है, इसका प्रीमियम 31 है, तो इसका एक लॉट में सेल कर दूंगा। मतलब करंट मार्केट से और मैं कितनी दूर हूं, 20700 का जो पुट ऑप्शन है ये मैंने सेल किया है, और करंट मार्केट कहाँ पे है, 21446 पे। तो आप ये मानिए ऑलमोस्ट 800 पॉइंट में दूर हूँ करंट मार्केट से। तो 10 डेल्टा का आपको सेल करना है, उससे ऊपर आपको नहीं आना है। उससे ऊपर अगर आप आओगे तो आपको प्रीमियम तो अच्छे खासे मिल जाएंगे। देखिए ऊपर अगर आप आते हो तो ये प्रीमियम आप देखिए, ये तो आपको बेटर मिल रहे हैं, लेकिन आपका रिस्क बढ़ रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिर गया तो आपके पास वो स्पेस नहीं है, ठीक है, आपको लॉस हो जाएगा, आप मार्केट को बिल्कुल स्क्वीज कर रहे हो। तो आपको मार्केट से एक सेफ डिस्टेंस पे रहना है, और वही मैंने किया यहाँ पे 10 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। और वो कब किया है, जब 21900 जहाँ का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है उसका डेल्टा 25 से नीचे चला गया, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन आपने सेल किया है इसका डेल्टा अगर 15 से ऊपर चला जाता है, या आप मानिए 20 से ऊपर चला जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अगेन इसको नीचे शिफ्ट करना है। 15 to 20 के डेल्टा से ज़्यादा अगर ये बढ़ जाता है तो फिर आपको वहाँ पे और नीचे इसको शिफ्ट कर देना है। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। अगर ये 20 पे ज़्यादा, दैट मीन्स मार्केट ने गिरना कंटिन्यू रखा है, तो वहाँ पे सेफ साइड रह के आपको इसको और नीचे शिफ्ट कर देना है, चाहे आपको प्रीमियम पे सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े। और अगर ये 5 से नीचे चला जाता है तो फिर आपको इसको और ऊपर शिफ्ट कर देना है, अगेन आपको 10 डेल्टा पे इसको शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अभी के लिए आप देखिए ये जो आपका लॉस है ये 1000 रुपये का है, लेकिन इसको आप हटा सकते हो। अगर मार्केट वापस ऊपर आता है तो इसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, और अगर मार्केट गिरना कंटिन्यू रखता है तो फिर ये लॉस है, ये मुझे लेना है, ठीक है। तो अब अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया है। अगर मैं ग्रीक्स को देखूं तो देखिए जो पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखा था 10 डेल्टा का, अब वो 5 से नीचे आ गया, 3.42 पे है, दैट मीन्स इसको अब मुझे वापस 10 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, 7.3 का प्रीमियम इसका बचा है, 7.3, इसमें से मैं एग्जिट हो गया, और अब मैं देखूंगा 10 डेल्टा कहाँ पे है। देखिए मार्केट को नहीं देख रहा हूँ मैं, डेल्टा देख रहा हूँ बस। 20700 का जो पुट ऑप्शन है इसमें से मैं एग्जिट हो गया, जिसका डेल्टा 3 है, और 10 डेल्टा को अब मैं यहाँ पे सेल करूँगा, दैट इज़ 9.78 डेल्टा है 21100 का। तो इसका एक पुट ऑप्शन मैं सेल कर दूँगा, ठीक है, 10 डेल्टा के आसपास ही है ये। तो अब आप देखिए, अब ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा जो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे है वो 300 रुपये का है इस एरिया में यहाँ तक, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे ऑलमोस्ट 5000 रुपये के आसपास प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट नीचे आता है तो 300 रुपये का लॉस है मेरे पास। इस पॉइंट के बाद अगर मार्केट, ये जो ग्रीक जो मैंने 10 डेल्टा का सेल किया है, अगर ये 20 के आसपास जाता है तो इसको मैं फिर से और नीचे शिफ्ट करूँगा। बट स्टिल मेरे पास काफ़ी सारा स्पेस है, मार्केट अगर नीचे जाता है तो मेरे पास है उतना स्पेस कि मैं उसको अकोमोडेट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो प्रॉफिट है वो 200 रुपये का है। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मेरा प्रॉफिट है ये 900 रुपीज़ का है।
उससे अगले दिन अगर मैं देखूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 1400 रुपीज़ के आसपास का है, और अगर मैं एक्सपायरी डे तक आपको लेके चलूँ, 24 जैन को आप देखिए मार्केट में बड़ा गैप डाउन हुआ है, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था। अब अगर आपने ग्रीड में आके और 10 डेल्टा पे आप स्टिक ना रह के 20 डेल्टा शुरू में सेल कर देते तो यहाँ पे आप फंस जाते। 10 डेल्टा सेल करने से हुआ क्या है, इतना बड़ा मार्केट में गैप डाउन हुआ है लेकिन उसको मैंने इजीली अकोमोडेट कर लिया है। मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे देखिए 4300 रुपीज़ का है, ठीक है। तो और मान लीजिए आपने और पास में कर दिया होता तो यही लॉस आपका 10-12-15 हज़ार रुपये का भी हो सकता था। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि 10 डेल्टा जो मैंने आपको बोला है उस पर बिल्कुल आपको स्टिक रहना है। और एक चीज़ और आप यहाँ पे नोट कीजिए, 24 जनवरी को आपको ये लॉस आया है, जो 4300 रुपीज़ का आपको लॉस है ये कब है, 24 जनवरी को। तो और एक्सपायरी कब है, 25 जैन को। तो लास्ट वीक में अगर आप जा रहे हो तो गामा रिस्क किसी की मैं बात करता हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ कि अगर आप लास्ट वीक में एंटर कर रहे हो तो आप गामा रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि छोटे से मूव के साथ और आपका रिस्क वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिला, आपका जो रिस्क है वो 4300 रुपीज़ का यहाँ पे है, जो लॉस आपको 4300 रुपीज़ का है, और वो इतनी तेज़ी से एक ही दिन में क्यों बढ़ा है, क्यों, क्योंकि लास्ट वीक अब आ गया है, आज 24 जनवरी हो गया, कल एक्सपायरी है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, अगर मैं पर्सनली ट्रेड में होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ तक नहीं आता, लेकिन अगर आप लास्ट तक आते हो तो क्या हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो आपका डेल्टा है, देखिए यहाँ पे जो 10 डेल्टा मैंने सेल किया था उसकी जगह आपने थोड़ी ग्रीड आ जाते कि मैं थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम ले लेता हूँ, मैं 15 डेल्टा सेल कर देता हूँ या 20 डेल्टा सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये जो लॉस आपका 4200 रुपीज़ का है यही आपका 10,000 रुपये का होता, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मैंने आपको क्या बोला है कि जो 10 डेल्टा मैंने सेल किया अगर वो 20 हो जाएगा तो उसको मैं फिर से शिफ्ट कर दूंगा नीचे की तरफ, ये मैंने आपको बोला। अब इस केस में आप देखिए डेल्टा के ऊपर जाने की स्पीड, गामा रिस्क यही होता है कि आपके डेल्टा के चेंज होने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। देखिए आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा मार्केट के चेंज होने के साथ ये आपको बताता है डेल्टा, और आपका डेल्टा कितना चेंज होगा मार्केट के चेंज होने के साथ ये आपको बताता है गामा, और गामा जो है वो लास्ट वीक में बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स लास्ट वीक में आपके डेल्टा के ऊपर या नीचे जाने की स्पीड है वो तेज हो जाती है, उसी को गामा बोलते हैं, उसी को गामा रिस्क बोलते हैं। तो गामा रिस्क आपका बढ़ा है, देखिए जो 10 डेल्टा है वो अब आपको मौका ही नहीं मिला, वो सीधा 40 पे चला गया है सिर्फ एक दिन में, क्यों, क्योंकि गामा रिस्क इतना बढ़ गया है, जो रेट है वो इतनी ज़्यादा हो गई है डेल्टा के ऊपर या नीचे जाने की, इस वजह से आपका जो डेल्टा है वो सीधा 38 पे चला गया है। और बड़ी बात ये कि कल एक्सपायरी है, अब आप इसको शिफ्ट भी नहीं कर सकते, क्यों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एडजस्टमेंट आप तब कर सकते हो जब आपके पास टाइम बचाओ, अगर कल एक्सपायरी है तो आप कितने अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो आज आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, अब आपको ये जो रिस्क है लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका रिस्क और ऐड क्या हो जाता है, और रिस्क ये ऐड हो जाता है अब आप मार्केट की मर्सी के ऊपर हो, अब अगर कल मार्केट ऊपर आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो आपका रिस्क वो पूरा खुल गया है। तो इस वजह से लास्ट वीक में अगर आप एंटर करते हो तो उसके नुकसान ही नुकसान है, उसके फायदे कुछ भी नहीं है। फायदा आप ये बोल सकते हो कि लास्ट वीक में अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आपको एक क्विक प्रॉफिट हो गया, लेकिन देखिए वो आपकी स्किल की वजह से नहीं हुआ है, वो मार्केट की मर्सी की वजह से हुआ है कि यू आर जस्ट लकी, आप लकी थे इस वजह से मार्केट आपके फेवर में चला गया और आपको प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता तो आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे इस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते अब यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, कल एक्सपायरी है, मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम कल तक जाते हैं तो देख लेते हैं, लास्ट तक अगर हम जाते हैं तो 600 रुपये का यहाँ पे लॉस है, क्यों, क्योंकि मार्केट वापस थोड़ा ऊपर आ गया है, लेकिन यही मार्केट अगर नीचे चला जाता तो आपको 15,000 का लॉस भी हो सकता था। तो इस वजह से लास्ट वीक में जाना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, लास्ट वीक में आप बिल्कुल मत जाइए, चाहे कैसा ही ट्रेड क्यों ना हो, चाहे ऑप्शन बाइंग का चाहे ऑप्शन सेलिंग का हो। तो इसीलिए लास्ट में एक्सपायरी तक मैंने आपको लाके दिखाया है कि जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो कैसे एक ही दिन में एक ही झटके में लॉस मेकिंग ट्रेड बन गया, और लॉस भी आपका कितना बड़ा हो सकता है। एक लॉट पे 4500 का लॉस भी छोटा लॉस नहीं होता है, और वो भी तब है जब आपने 10 डेल्टा पे स्टिक रहे हो, अगर यही आपने 15-20 किया होता तो एक लॉट पे 10,000 रुपये का लॉस है, मतलब अगर आप 10 लॉट ट्रेड कर रहे हो तो आपको 1,00,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो एक्सपायरी डे है उसमें आपको भूल के भी नहीं जाना है, और बुल कॉल स्प्रेड है उसको आपको किस तरह से मैनेज करना है, उसके रूल्स क्या हैं वो मैंने आपको बताए हैं। डेल्टा को आपको हमेशा चेक करते रहना है जब भी आप ऑप्शन बाइंग के थ्रू ट्रेड करते हो तो, और लास्ट वीक में आप भूल के भी मत जाइए, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।